This is the court of Zinda Shah Madar. Yes. And sitting over here, yeah, in the court is the lion of Zinda Shah Madar. Yes, sher. Yes, sher. Yes, हमारे शेर हैं. इनकी पहचान अली, इनकी पहचान हुसैन, इनकी पहचान अजमेर, इनकी पहचान सारे सूफियाना मिजाज का मिजाज इधर. और पीर साहब को समझ लिया तो समझो खुदा को समझ लिया. This is the father of nation. कुछ बोल दीजिए. बोल दिए सरकार. सरकार मजार पाक 242 में तबल्लुक दिन पैदा हुए शहर अलग कस्बे जुलाल में उसी वाले यहाँ पर. और 282 में हिंदुस्तान आ गया. हिंदुस्तान खम्मा से कदम मुबारक आया. 1442 चिल्ले आप हिंदुस्तान का लगाए क्या चार खुलवा हुए आप सरकार गारमेंट जनरल को काजी मुतार काजी नेहरू कबूल सिंह और दादा अर्गू उनको चारों शाखा अलग हो गई. जानमंदर जी दीवार गार मजार कह रहे हैं. कालमाल मजार काजी महमूद से कहलाए. आशकार मजार काजी महमूद से कहा से कहलाए. और आशमाल मजार दादा अर्गू से कहलाए. फिर दादा भगतू जयपुर उनके भतीजे को औलाद में थे. और ये संतों की औलाद में थे. ये मलाना जी के नाम संत है. ईला से पता कहानियाँ संत थी. और उनके लिए हेड बना दिया, ऑफिस बना दिया. और वहाँ पर उनके भंडाली और नकी और होदेदार और जीत के तबलीग के वास्ते हर गाँव में एक कोड़ाबद्दार रखा. और 100 कोड़ा बरदारों पर एक कुतवाल रखा. 100 कुतवालों पर एक भंडाली रखा. 100 भंडालियों पर एक नकीब रखा. और 100 नकीबों पर एक खलीफा रखा. और 100 खलीफों पर एक नैन सज्जादगती नसीब रखा. तो सरकार साहब जो कपूर बाबा कपूर वजरी मधु अस्त कुतब आलम साय आलम कपूर अस्त मधु व्यस्त अब्दुल हक मोहद्दल अली फरमाते अखबार आकम है कि मैं इनको साफ नू रखूँ या बाबा कपूर रखूँ या शाह आलम रखूँ. कानों में आवाज़ आती है कि शाह आलम माय आलम शाह अब्दुल कपूर कपूर अस्त मधु अस्त सहलता या सुबहान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. उनके नौपट्टी आशकारों के लिए 1,25,000 गाजी हिंदुस्तान में है. क्या कही और सब मिलाकर 3,00,000 पैदा गाजियाँ मलांगा ने क्राम किए. ये मिशन मदारुल आलमीन के मलांगा ने क्राम से जारी हुआ. अब इनकी बहादुरी देख रहा है तो 1763 में मलंग मधुर शाह मलंग बंगाल की धरती के रहने वाले अजमत मलंग मोहम्मद मलंग आठ मलंग और आठ तेरा इन शाहों ने साथ दिया. इंग्रेजों से 70 साल तक जंग 1870 तक जंग. उनका मजार मोहम्मद हुसैन वो मलंगा ने क्राम है. मानवता वाले धर्म वाले हैं नीति वाले हैं इंसानियत वाले हैं. हम धर्म की लहर दौड़ाने वाले हैं. क्या हमें मानवता चाहिए. मजहब और कौम बाद में बना. क्या पहले इंसान पैदा हुआ इंसान बना. इंसानियत चाहिए हमें मानवता चाहिए. हम भारतीय लोग हैं. भारत भारत के मालिक हैं. सूफी संतों का देश है. मैं एक आई वांट टू से समथिंग. मैं आपसे कुछ दो लफ्ज शब्द ये कहना चाह रहा हूँ. आपने मुझे ग्वालियर बुलाया था पनिहार में. मैं पहली बार ज़िंदगी में पनिहार आया. और अब पहली बार आपने मुझे किधर बुलाया. मैं आपको एक बात कह रहा हूँ. मैं हिंदू धर्म का प्रचार करता हूँ. मेरा गुरु अवधेश आनंद जी हैं. मैं आपके दरबार में आया आप और रफीक भाई के पास. सबसे पहले हिंदू लोग आए मेरे पास. बोले बाबा आप इधर आए. मैं बोला हाँ. तो मैं बोला पीर साहब के बारे में बोलो. मैं मुसलमानों से नहीं पूछ रहा था. बोले बाबा पीर साहब जो है ना वो बोले शिवा के अवतार है. सुनिए और मेरे से बोला आप बाबा से तो मिल लोगे हमारी देवी से मिलो. हम गए उनकी दुर्गा जो है उसकी तस्वीरें ली. उन्हीं में वो मेरे पैर पे गिर गए. बोले आप इधर आए बाबा के लिए हमारी दुर्गा से भी मिले. हम बोले सब कुछ एक ही है. सब कुछ देखने का नज़रिया अलग है. और बाबा हम आपके इधर आए और हमने आपकी प्रचार ये किया कि जितनी हिंदू औरतें थी वहाँ जितनी हिंदू औरतें थी वो सब लंगर का खाना बना रही थी और वो सबको खिला रही थी. 50,000 आदमी मेरे हिसाब से खा रहा था. और कौन बना रहा था. हिंदू औरतें बना रही थी. हिंदू मर्द लोग. तो मैं क्या कहता हूँ एक तरफ हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे. फिर मैं कहता यार एक बार पनिहार की झलक देखते. फिर मैं सोचता हूँ कि एक बार अजमेर आओ. एक बार सूफियाना से इस्लाम आता है. सूफियाना में ना खुशबू मिलती है. बाकी मुझे नहीं मालूम. मैं कोई मौलाना नहीं हूँ. मेरे को जिंदगी में मौलाना बनना भी नहीं है. मौलाई होना. मौलाई बन गया बस. मौलाई हो. अब आप बताइए कुछ. मैं बहुत बोल लिया जी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है. हम मकनपुर शरीफ में हाजिर हैं जो जिला कानपुर नगर तहसील बिल्लौर देहात मकनपुर शरीफ. और इस दरबार में दो उर्स मनाए जाते हैं.
छोटा उर्स जो होता है उसको बसंत पंचमी के मौके पर छोटा कुछ शरीफ होता है, और मदार का महीना जमादी अव्वल इसको मदार का महीना कहते हैं। इसमें 15, 16, 17 को तमाम हिंदुस्तान से सूफिया मलंग और सूफी संत बेशुमार आते हैं, उसको हाजिरी देते हैं और सब मिलकर एक ही दुआ करते हैं कि मौला हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे, भाईचारा रहे, एकता रहे, अखंडता रहे, और मालिक से यही हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे दिल में जो भी तमन्ना है नेक इरादा है पूरा फरमाए, और हम पूरे मुल्क में ये दावा देते हैं कि हम शान वाले हैं, मानने वाले हैं, मौलाई हैं, और हमारे मौलाओं ने हमको जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है, प्यार कर दिया है, मोहब्बत कर दिया है, एकता कर दिया है, गरीबों का साथ दें, यतीमों का साथ दें, और जो बेसहारा है उनसे मोहब्बत करें, उनकी शफकत करें, यही मदार बाबा आए और उन्होंने नगर नगर डगर डगर बस्ती बस्ती करिया करिया जाकर मोहब्बत का पैगाम दिया। उस मदार पाक ने 556 साल का रोज़ा रखा, 556 साल तक ना खाया ना पिया ना कोई कपड़ा बदला, पूरी ज़िंदगी रोज़े गुजारी और बस मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में बसाकर पूरे मुल्क में आपने दौरा फरमाया है। और इस दरबार में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता सब है, सब सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बस सबको एक ही संदेश है। हुजूर एक बात है, इस दरबार में तो वो जो खुदा को नहीं मानता वो भी आता है। हाँ, ना मानने वाला भी आता है, सभी तरह के लोग हैं, मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं, लेकिन मालिक के बंदे हैं और रब का बंदा होता है, और रब देता भी है दिलाता भी है, इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर है। कुछ लोग हैं कि वो मना करते हैं मत जाओ, कुछ कहते हैं कि जाओ, क्योंकि हम तो ये जानते हैं ये सब अल्लाह के बरगुजदा बंदे हैं और अल्लाह ने इनको गैबी ताकत दी है, इतना दिया है ये देते भी हैं और दिलाते भी हैं। इसलिए हम अजमेर जाते हैं, मकनपुर जाते हैं, निज़ामुद्दीन लिया जाते हैं, साबिर जाते हैं, निज़ाम जाते हैं, क्योंकि ये मौला अली की औलाद है, मौला अली की ये औलाद है जिनको हसनैन करीमैन कहते हैं, गौसे आज़म इमाम हसन की औलाद है, मदार आज़म इमाम हुसैन की औलाद है, यह हुसैनी दरबार है, यहाँ जो आता है उसको एक पैगाम मिलता है, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं, जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने हमारे शौक पर, हमने साकिर फिरोज के लिए खलीफा नहीं बनाया, हमारी सारी जमाला ने कहा हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं, कायनात के कोने कोने में हो, सात द्वीप के अंदर में तमाम सरकार मदार वालों ने किया है, इसलिए इनको सदर दस्तार खिलाफत अरे तकबीर।